हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो आज हमारे साथ हैं जेई मेन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 69 एंड जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 70 अचीव करने वाले आकर्ष जैन। इनकी KVPY SX में रैंक थी 82 एंड KVPY SA में रैंक थी 93। नॉट ओनली दिस, इन्होंने NSEP, NSEA एंड NSEC भी क्वालिफाई किया है। इन्होंने इन्फो भी क्वालिफाई करी है, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। सो आज हम इनसे बात करेंगे एंड जानेंगे कि इनकी जर्नी में क्या ऑब्स्टिकल्स आए एंड इन्होंने उसे किस तरह ओवरकम किया। तो हेलो आकर्ष, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। थैंक्स। सो आकर्ष, आई एम वेरी एंशियस टू नो कि क्या वो फीलिंग थी जब जे एडवांस का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और तुम्हें पता चला कि यू हैव स्कोर्ड AIR 70 एंड यू आर द MP टॉपर। एडवांस के समय तो जैसे जब रिजल्ट मतलब एग्जाम से पहले तो मैं अपनी ऑल इंडिया रैंक 20 के आसपास का टारगेट बना के रखा था, पर जैसे पेपर हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि 50-100 आ सकती है। तो रिजल्ट के बाद थोड़ी सी खुशी तो थी कि जो अपनी मेहनत है वो उससे अपने को उसके बराबर उसके इक्वल का अपने को वो मिला है पल, तो अच्छा हैप्पी तो था मैं, पर थोड़ा सा वैसा था कि और अच्छा आ सकता था। बट स्टिल काफी अच्छी रैंक थी और काफी पेरेंट्स और रिलेटिव्स सभी लोगों में खुशी तो काफी हुई होगी। तो आकर, जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे काफी लंबी जर्नी रहती है हमारी 2 से 3 साल की एंड इसमें मोटिवेशन बना के रखना बहुत जरूरी होता है, तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू स्टडी? मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें एक मोटिवेशन की जरूरत रहती है, तो तुम्हारा पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन होता था? मोटिवेशन में जैसे अपना एक लॉन्ग टर्म गोल तो है ही कि अपने को IIT में जाके पढ़ना है और वहां पे जैसे जो भी स्टार्टअप या जॉब जो भी करना है तो IITs इंडिया में तो बेस्ट ही इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें जाने के लिए अपने को कुछ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से रख सकते हैं। पर जैसे अगर अपने को एवरीडे कुछ मोटिवेशन के लिए चाहिए तो अपने को जो अपना प्रोसेस है पढ़ाई का कि आज जैसे मैंने आज ये चैप्टर कंप्लीट करने का सोचा है, तो अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो ये ही अपने लिए एक मोटिवेशन की तरह अगर अपन काउंट करने लगे तो प्रिपरेशन फिर एवरीडे प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि अपने को रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी दिखने लगते हैं, तो उससे अपना माइंड उस तरह से उसको पॉजिटिवली लेने लगता है और पढ़ाई में और मन लगता है फिर। अच्छा, मतलब डेली टारगेट सेट करो और उनका कंप्लीशन जो रहता है वो और वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जो रहती है वो काफी हेल्प करती मोटिवेटेड रहने में। हाँ, और जैसे डेली टारगेट्स भी अपने को छोटे रखें तो भी अच्छा है, मतलब क्योंकि अगर अपन ज्यादा करेंगे उससे तो अच्छा है ही, पर अगर डेली टारगेट्स फिर अगर जैसे अपन बहुत ही ज्यादा ऊपर रख लेते हैं तो फिर अगर कंप्लीट नहीं हो पाता तो फिर थोड़ा सा उसको डीमोटिवेशन की तरह लगने लगता है। तो डेली जो अपने डेली टारगेट्स है वो अपन अभी अपने लेवल के हिसाब से और अपनी जो अभी करंट प्रिपरेशन है उसके हिसाब से रखना चाहिए। अच्छा, हाँ आकर्ष, और आकर जैसे कि JEE का सिलेबस काफी वास्ट है, मतलब 2 साल में एक एग्जाम में 11th भी आता है, देन 12th भी आता है, हमें काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कई बार हमारे कुछ टॉपिक्स वीक रह जाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग्स भी हो जाते हैं, तो जैसे तुम्हें कभी हुआ होगा कि जैसे तुम्हारे साथ कभी कोई टॉपिक वीक रह गया तो तुमने उसे कैसे टैकल किया, उसे कैसे क्लियर करा कि अगर कोई टॉपिक वीक रह गया तो? जैसे टॉपिक जो हैं अपने JEE में उसमें जैसे हर टॉपिक का इम्पोर्टेंस काफ़ी होता है क्योंकि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं एडवांस में, तो एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन टारगेट हो सकते हैं, तो हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस तो देना ही है एडवांस के लिए और मेंस के लिए भी देना ही है। तो पहला प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए कि अगर अपने को टॉपिक पढ़ते से ही लग रहा है कि इसमें तो अपने को दिक्कत आने वाली है तो अपने को डेली में ही उसको ज्यादा टाइम देने की प्रायोरिटी में डाल देना चाहिए और उसके जो टीचर्स हैं उससे अपने को मैक्सिमम डाउट्स
और जो भी अपने को उसी समय डाउट आया तो क्लास के बाद अपन अगर पूछ लें तो फिर बाद में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और जैसे अगर बैकलॉग हो भी जाता है तो फिर उसमें अपन अगर डेली अगर अपन 1 घंटा उसके लिए निकाल लें तो फिर वो धीरे धीरे अपना क्लियर होता जाएगा। अच्छा, हाँ सही है आकाश। और आकर जैसा कि जब ये कोविड आया एंड पेंडेमिक के कारण एकदम से एक बड़ा ट्रांजिशन आया था ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्टडीज, और एग्जाम्स भी काफी बार पोस्टपोन हुई, तो वो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी जिसके कारण स्टूडेंट्स पे काफी स्ट्रेस बन रहा था कि एग्जाम्स होंगी या नहीं होंगी, एंड ये अनसर्टेनिटी भी काफी दिक्कत दे रही थी स्टूडेंट्स को। और ऑनलाइन स्टडीज के कारण भी एक लेजीनेस की फीलिंग आ रही थी क्योंकि दिन भर हमें घर पे पढ़ना था। तो आपने इस पूरी ड्यूरेशन के समय अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा और किस तरह स्टडीज करी? अनसर्टेनिटी तो जैसे हमेशा प्रिपरेशन जो है जेई एडवांस और मेंस की इसमें रहती है, क्योंकि जैसे अपने को कभी अपन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अपनी रैंक क्या आने वाली है या कब। इसमें तो जैसे एग्ज़ाम्स की भी अनसर्टेनिटी थी कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, तो अनसर्टेनिटी पे अपन को फोकस नहीं करना चाहिए। और अपने को फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि अपने जो हर रोज के गोल हैं वो अगर हो रहे हैं तो फिर अपना जो पाथ है वो करेक्ट है। और अगर जो अपने मेंटर की बात अगर अपन मान रहे हैं तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे इस बार जैसे लॉकडाउन भी हो गया तो जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था जिसमें जो एक एक कोई कोच था जो जिसने काफ़ी सारे ओलंपिक जो मेडलिस्ट्स हैं उनको ट्रेन करा है, तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आपको जो टॉप परफॉर्मर्स जो हैं और जो मीडियोकर परफॉर्मर्स हैं उनमें आपको क्या फ़र्क दिखता है, तो जैसे अगर अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि आईक्यू जैसे अगर डाला जाए या कोई भी जैसे पैरामीटर डाला जाए, तो उनका जो आंसर था उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म में बोर्डम को हैंडल करना एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता है जिससे एथलीट्स एक दूसरे के आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें भी जैसे एग्ज़ाम का टाइम पीरियड अगर जब बढ़ गया है तो एस्पिरेंट्स को बोर्डम को हैंडल करना आना चाहिए, और जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो ये काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, हाँ मतलब ये एक जर्नी का पार्ट ही है कि हमें बोर्डम को भी हैंडल करते आना चाहिए टू गेट अ गुड रैंक इन फाइनल एग्जामिनेशंस। एंड आकर जैसे आपकी रैंक जेई मेंस में भी 69 थी ऑल इंडिया रैंक, एंड जेई एडवांस में भी 70 थी, एंड आप दोनों टाइम एमपी के टॉपर थे। तो इसमें अपने खुद की हार्डवर्क के साथ साथ पेरेंट्स का भी और अपने टीचर्स का भी रोल बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स का क्या रोल रहता है अपनी एक पूरी जर्नी में और फाइनल गोल अचीव करने में? जैसे पेरेंट्स जो हैं उनका रोल मुझे लगता है कि टीचर्स के जस्ट सेकंड आता है, क्योंकि जैसे पीयर ग्रुप भी जो होता है वो भी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद या स्कूल जो भी है उसके बाद बनता है, तो सबसे पहले जो जिससे अपन कनेक्टेड रहते हैं वो पेरेंट्स ही रहते हैं। तो जो भी आपका एग्ज़ाम की तरफ थिंकिंग है इससे आपकी काफ़ी रैंक अफेक्ट होती है, और ये जो थिंकिंग है ये मेनली डेवलप होती है जो पेरेंट्स का आपकी तरफ से एटीट्यूड है या आप उसको कैसे लेते हैं। तो और जैसे कोई अगर एग्ज़ाम में कभी कभी जो मॉक टेस्ट हैं उनमें कभी कभी मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स का एक इमोशनल सपोर्ट भी रहता है कि जो भी है ठीक हो जाएगा अपना, अपन अगर जो भी मिस्टेक्स है अपन वो करेक्ट करते रहे तो इवेंचुअली, क्योंकि लॉन्ग टाइम है काफ़ी 2 साल काफ़ी होते हैं कोई भी मिस्टेक को ठीक करने के लिए, तो लॉन्ग टाइम में ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। जी आवाज। और आकर्ष की जैसे इनऑर्गेनिक जो एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में, वो काफी सारे बच्चों की एक दुखती नस रहता है कि काफी उसमें बच्चों को लर्न करना रहता है और वो हमेशा उसमें डिलेमा में रहते हैं कि इसे लर्न करे समझे। तो इनऑर्गेनिक को कैसे टैकल किया जाए ताकि इसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेनली याद करने की चीज़ है, तो जैसे अगर आपकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर जैसे जो भी जेई इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं उनका
जो रिटेंटिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है कि जैसे जो अपने हर रोज़ मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग में, इसमें अगर इसके पहले अगर अपन जैसे जो भी उसमें सिलेबस आ रहा हो इनऑर्गेनिक का वो अपन रिवाइज करते रहें, तो इनऑर्गेनिक एक तरह से लास्ट तक जाकर आपको इतनी तो इतनी आ ही जाती है कि आपके 95% क्वेश्चंस हो ही जाएं, और अच्छा बाकी जो भी रेफरेंसेज है वो एक बार अगर एग्जाम के पहले पढ़ के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आकाश, मतलब और लॉन्ग टर्म इसका थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अच्छा हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक पे आपको लगातार काम करने की जरूरत है और लगातार रिपीटेशन से वो अच्छी होती है। हाँ और आकर्ष की एग्जाम जब आने वाली रहती है तो उसके अराउंड 1 मंथ पहले क्या टेम्परामेंट मेंटेन करना चाहिए, मतलब आपने किस तरह का एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करी थी ताकि आप एग्जाम्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए? एग्जाम्स के पहले जैसे टेम्परामेंट जो होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। जो भी क्योंकि अपने को ये पता नहीं होता है कि कोई भी चीज़ अगर अपन चेंज करेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो जो भी चलता आ रहा है अपने को उसके हिसाब से ही करना चाहिए, और थोड़ा बहुत चेंजेस जैसे कि जो अगर आपका उठने का और सोने का टाइम है वो एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से नहीं है तो आपको उसको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। और खाने का भी टाइम अगर एग्जाम के टाइम के बीच में जैसे अगर आ रहा है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना काफी जरूरी हो जाता है हाँ अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो आकाश, अब एक रैपिड फायर राउंड क्विकली हम स्टार्ट करें, तो आर यू रेडी? यस। फिजिक्स हाँ, तो पहला फिजिक्स या फिर मैथ्स? अरिहंत और सिंगेज? सेंगेज अच्छा, और मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? मैकेनिक्स। अच्छा, और एक कोई भी एडवाइस जो कि आप 11 to 12 years आकर्ष को जाके देना चाहो कि उस समय वो क्या और कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है? जैसे अभी तो मैं ऐसे कोई एडवाइस दूंगा, पर जैसे अगर देना चाहें तो 11-12 ईयर्स पर अभी अपने को खेलने पर और फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस काफ़ी रखना चाहिए, क्योंकि जेई के टाइम काफ़ी पढ़ना है ही, और जो उस समय बस जो स्कूल में आपको करा रहे हैं आपके बेसिक्स हैं बस वो क्लियर करते चलना है और होमवर्क करते रहिए। वो तो है ही सही आकर्ष। तो आकर्ष, मतलब काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये वाला, और काफी सारी चीजें आपसे जानने को मिली, और थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने निकाला और हमारे साथ आए। और एक लास्ट मैसेज, जो आप एस्पिरेंट जो कि अभी घर पे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं थ्रू फोन्स, भले वो दूसरी किसी भी कोचिंग से हो, तो क्या उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ टू दे रिमेन मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव फॉर देयर गोल? मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगा कि अभी जो भी है अपने को अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए और बस काम करते चलो, नहीं, पढ़ाई वो करते। तो है। हाँ, वो तो है, काम करते चलो और हार्डवर्क करते चलो। हाँ तो थैंक यू आकाश, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला आपके इस सेशन के साथ। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आपको इतने अमेजिंग वीडियोस आगे और देखने को मिले। और खूब पढ़ो यार, और मचा दो। सो थैंक यू।